संध्या हाँ आ रही हूँ ये लीजिए आप टिफिन संध्या इस घर में अकेली रह लोगी ना ये शहर ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं शादी के पूरे 3 साल बाद मुझे अपना कहने को घर और संसार मिला है आप यहाँ अकेले थे वहाँ मायके में मैं अकेली थी अब जाके हमारा अपना घर संसार शुरू हो रहा है अब देखिएगा मैं इस घर को ना बड़ी अच्छे से सजाऊंगी फिलहाल तो ये घर किराए का लेकिन बहुत जल्दी अपना घर होगा जैसा भी होगा है तो अपना ही घर ना अच्छा सुनो ऑफिस के लिए लेट हूँ चलता हूँ अच्छा अपना ख्याल रखना आप भी बाय बाय डर लगता है आपको नहीं तो प्रॉब्लम क्या है डिप्रेशन मर जाने को दिल करता लाइफ की ये टेंशन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है आपके अंदर काफी कुछ दबा हुआ है जो आपको बाहर लाना होगा मैं आपकी मदद करूंगा जज भी नहीं करूंगा आपको अरे बाबा झगड़ा नहीं करूंगा अच्छा तुम बैठो अब बताओ क्या प्रॉब्लम है दोपहर में मैं जब घर ठीक कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई है इस घर में आने जाने के दो रास्ते हैं एक बाहर की तरफ खुलता है और एक गार्डन की तरफ और जैसा तुमने बताया कि दोनों दरवाजे बंद थे इस शहर में नहीं इस घर में भी तुम अकेली सिर्फ तुम्हारा वहम होगा एक काम करते हैं तुम्हें चेयर अप करने के लिए एक पार्टी करते हैं क्या हुआ सब ठीक तो है ना यहाँ कुछ तो है मतलब इस घर में कुछ तो गड़बड़ है मुझे बहुत डर लग रहा है ये सब तुम्हारा वहम है कुछ भी नहीं है देखो नहीं नहीं कुछ है यहाँ पे कुछ तो अच्छा अच्छा ठीक है मैं हूं ना तुम्हारे पास तुम सो जाओ सो जाओ माँ मुझे बहुत डर लग रहा है पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कोई संकट आने वाला है कभी कभी किसी घर में वास्तु दोष होता है किसी पंडित को बुलवा कर वास्तु शांति की पूजा पाठ करवा लो सब ठीक हो जाएगा पर इनका ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं है अरे पति लोगों की बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहो और करो वही जो तुम करना चाहती हो कभी रोट कर कभी प्यार से पति को अपने जैसा बनाओ सुखी रहोगी और सुनो तुम्हारे चाचा जी भी तो वहीं रहते हैं ना मैं उनको ना फोन कर देती हूँ वो किसी ना किसी पंडित को जानते होंगे ठीक है माँ शक्ति हूँ मुझे ऐसा लगता है इस घर में वास्तु दोष है हम पंडित जी को बुलाकर वास्तु दोष हटाने के लिए पूजा पाठ करते हैं ना फिर सब ठीक हो जाएगा देखो संध्या ये ग्रह नक्षत्र वास्तु ये सब बेकार की बातें हैं शादी के बाद 3 साल तक मुझे मायके रहना पड़ा मैंने कभी कुछ नहीं कहा यहाँ आने के बाद भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ मना मत कीजिए इस घर के वास्तु दोष को हटाने के लिए पूजा पाठ करते हैं ना प्लीज मान जाइए शरण
वास्तु दोष पूजा संपन्न हुई, अब कोई चिंता की बात नहीं है। बस इस जल को घर के अंदर बाहर सभी जगह छिड़क दीजिए, सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। जी पंडित जी। अच्छा यजमान आज्ञा दीजिए। जी। सुनिए, ये आपका टिफिन। संध्या, लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी। कैसे टूट गया ये? हेलो, मैं संध्या बोल रही हूँ। यहाँ कोई मिस्त्री है क्या? हाँ, वो तंदूर ठीक कराना था। तुलिका, टॉवल देना। जब तक मैं घर वापस नहीं आता, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? आई मीन लव लाइफ। मैरिड लाइफ और लव लाइफ बहुत अलग अलग होते हैं सर। मेरी शादी एक पैसे वाले अधेड़ उम्र के आदमी से हुई थी। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो बस नाम का ही था। ना वो मुझे कभी हस्बैंड का सुख दे पाए और ना मुझे कभी वाइफ होने का सुकून मिला। मेरी जिंदगी बस एक कोरा कागज बनकर रह गई। ऐसे में मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ऐसे क्या देख रहे हो? आप हैं इतनी खूबसूरत, बचपन से फैन रहे हैं आपके। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। रजत, बाप रे, कितने बड़े हो गए तुम। नहीं नहीं, अरे वाह, मुझे तो नाश्ते पे किसी ने बुलाया ही नहीं। तुम कोई मेहमान हो क्या? फैमिली मेंबर हो, हक से बैठो और हक से खाओ। अरे वाह, आपके हाथ के बने खाने का स्वाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक और दो। मुझे प्यार की जरूरत थी, मैं प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, पर पता नहीं था मुझे कि वो प्यार मुझे एक ऐसे रिश्ते से मिलेगा जिसे पाप समझा जाता है। सबीना मैम तो रोजाना शाम को 4 बजे ही ऑफिस से चली जाती थी और उस दिन भी उसी टाइम गई थी। और उस दिन वो यहाँ से कहाँ गई थी? वो बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए द राजिंग स्पोर्ट्स क्लब जाती थी। सर वैसे तो सबीना हर रोज शाम को 4:30 बजे आ जाती थी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उस शाम को उसका अचानक से फ़ोन आया। उसने कहा वो नहीं आ पाएगी। ऐसी क्या वजह होगी जो वो शाम प्रैक्टिस के लिए नहीं आई? कोई आइडिया नहीं है सर। सबीना के सीडीआर के अकॉर्डिंग आखिरी कॉल उसको अमरदीप का ही आया था।
लेकिन सर उसके 5 घंटे बाद उसका फोन चंबा नगर में ऑफ हुआ है। क्राइम सीन के डम डेटा में उसके कुछ अमरदीप या फिर किसी ऐसे आदमी का नंबर मिला है जो कनेक्टेड हो सबीना से? सर डम डेटा में तो हजारों नंबर है लेकिन CDR से अब तक कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है। ये कोई रैंडम क्रिमिनल है शबीर सबीना की जान पहचान वाला? सर सबीना के फोन पे उस दिन अमरदीप के कॉल के पहले आबिदा नाम की लड़की का कॉल आया था। तो ये आबिदा कौन है? सर आबिदा एक अनाथालय में जॉब करती है और सबीना का उस अनाथालय में बहुत आना जाना था। सर सबीना दीदी कॉलेज में मेरी सीनियर थी, मुझे सोशल वर्क के लिए उन्होंने ही मोटिवेट किया था, यहाँ के बच्चों से भी उनको बहुत लगाव था। जिस दिन सबीना का मर्डर हुआ उस दिन शाम को करीब 4 बजे तुमने सबीना को फोन किया था? हाँ सर। क्या बात हुई थी दोनों के बीच? मैं उनसे मिलना चाहती थी तब उन्होंने वो हाँ बोलो आगे बोलो। उन्होंने तब मना कर दिया था, उनको प्रैक्टिस के लिए जाना था। लेकिन सबीना का जो कोच है अमरदीप, उनका कहना है कि सबीना उस दिन प्रैक्टिस के लिए आई नहीं थी। वैसे तुम मिलना क्यों चाहती थी सबीना से? वो मैं मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क का कोर्स कर रही हूँ, उन्होंने मेरी एडमिशन फीस भरी थी, वो बहुत हेल्पफुल थी सर, मैं उनसे मिलकर उनको उनके पैसे लौटाना चाहती थी मगर आखिरी बार मैं उनसे मिल भी नहीं पाई। सबीना का बॉयफ्रेंड था कोई? मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम तुमसे दोबारा बात करें। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई अभिदा, बोल अब पूरा सच बता मुझे। अभिमन्यु इस न्यूज को सुनकर मैं भी काफी शॉक्ड हूं। सबीना ने अभी 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया था और वो अपने काम से काम रखती थी और अपने गेम को लेकर काफी पैशनेट थी, और तुम कह रहे हो उस दिन शाम को वो प्रैक्टिस पर नहीं पहुंची। मुझको यकीन नहीं हो रहा है, इंक्वायरी करो। ओके सर। सबीना के कोच अमरदीप का कहना है कि उस दिन शाम को सबीना प्रैक्टिस के लिए आई नहीं थी, जबकि सबीना की दोस्त अभिदा का कहना है कि सबीना उससे इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए गई थी। इन दोनों के बयान को वेरीफाई करना होगा। ओके सर। सर यह सबीना स्टेट लेवल पर सेलेक्ट होने की प्रबल दावेदार थी और मनप्रीत नाम की प्लेयर उसको चैलेंज कर सकती थी। इंक्वायरी में पता चला है कि सबीना और मनप्रीत की आपस में बनती नहीं थी। इस बार स्टेट लेवल पे एक ही प्लेयर का सिलेक्शन होगा, या तो तुम या मैं। खेल जगत में सिलेक्शन को लेकर करप्शन की अफवाहें तो अक्सर उड़ती रहती हैं, पर ये बात सोचने वाली है कि क्या एक यंग प्लेयर अपने कॉम्पिटिटर का गैंग रेप करवा कर उसका इतना ब्रूटल मर्डर करवा सकती है? तो मेरा सिलेक्शन पक्का है ना? हो भी सकता है। वैसे अंदर की एक खबर है, सिलेक्शन कमेटी वाले बाहर से भी एक लड़की को कंसिडर कर रहे हैं। तो अब मेरा क्या होगा? डोंट वरी, हो जाएगा। कमेटी के एक मेंबर से बात चल रही है मेरी, थोड़े बहुत नखरे करेगा पर मान जाएगा। थैंक यू। तू जरूर सिलेक्ट होगी। हाँ, पहले स्टेट खेलेगी फिर नेशनल खेलेगी तो गोल्ड मेडल जरूर जीतेगी, मुझे पता है। हमारा ये सपना अब टूट चुका है, अपने दिल पर रखा पत्थर हटाइए। सबीना जहाँ गई है वहां से कभी कोई नहीं लौटता। अरे नहीं नहीं नरगिस, वो लौटेगी जरूर, उसने गोल्ड मेडल जीतने की कसम खाई थी ना, लौटेगी। मौत उसे हरा चुकी है, अब समझते क्यों नहीं है? अब सिवाय रुखसत के हम उसे कुछ नहीं दे सकते। सबीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सबीना का मर्डर उसकी लाश मिलने से 12 घंटे पहले हो चुका था। रिपोर्ट से कंफर्म है सबीना की बॉडी पे कई घाव हैं सर, किसी धारदार हथियार से उसके ब्रेस्ट को भी काटा गया। ऐसा लग रहा है जैसे मारने वालों की गहरी रंजिश रही होगी सबीना के साथ। लेकिन सबीना के घर वालों का कहना है कि उन्हें किसी पे शक नहीं है, कौन हो सकता है ये? सबीना की बॉडी पे कुछ ऐसे बालों के टुकड़े मिले हैं जो सबीना के नहीं थे।
तो हो सकता है जो बाल मिले हैं सबीना की बॉडी पर ये रेपिस्ट क्या हो? मेबी सर, डीएनए प्रोफाइलिंग हो रही है। सर कोई हैदर ले आया है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है। बोलो। हाँ हैदर बोलो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? साहब आपको हमारी बीवी की लाश मिली है। तुम्हारी बीवी की लाश? सर शबीना हमारी बीवी थी। क्या सबीना तुम्हारी बीवी थी? लेकिन सबीना के घर वालों ने तो हमें नहीं बताया कि वह शादीशुदा थी। सब सबीना और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमने घर पे बिना बताए शादी कर ली थी। उसकी टीम में भर्ती होने वाली थी, उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन शबीना ने हमको धोखा दिया साहब और हमने शबीना का कत्ल कर दिया। तो सबीना का कत्ल तूने किया है? हाँ साहब, उसका चक्कर चल रहा था एक लड़के के साथ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मार दिया उसको। किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, कौन है वो? शबीना की भाभी रेहाना का भाई दानिश। हमने उस रात दानिश को शबीना के साथ देखा था साहब। कहाँ? चंपानगर, वहीं मिलती थी उस कमीने से। क्या है छोरे, इधर आ जल्दी। क्या बे तू भी? बॉडी तुम्हारे ट्रक में कैसे है? बस 3-4 जगह नाश्ते पानी के लिए रुके थे। तुम्हारे ट्रक में कोई बॉडी डाल के गया, पता नहीं चला, पीके रहते हो क्या? नहीं साहब। बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुका है और बॉडी पे कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं है, बस हाथ पर एक टैटू है जिस पे लिखा है जय माँ जरी मरी। याद हो सकता है कि रामगढ़ की हो? राजस्थान एमपी और महाराष्ट्र में है। रामगढ़ कितने है जरा पता करो, ये जरी मरी माता का मंदिर कहाँ कहाँ पर है वो भी देखो। पोस्टमार्टम में भेज दो। यस सर। जिंदगी भर ना भूलूंगी। मैं प्यार करता हूँ थारे से, ब्याह करना चाहता हूँ थारे साथ। जब मैं एग्जाम देकर आईएएस बन जाऊंगी ना, तुम्हारे गांव से छोरियों को बेचने की कुप्रथा को हमेशा के लिए हटा दूंगी। सब जगह छोरियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाऊंगी। मने पता से थारे में वो बात सी। अच्छा रामू, थारा फोन देना, मने माँ बापू से बात करनी से। हाँ बातें कर लेना, पहले मारे साथ ब्याह तो कर ले तू। मैंने रजिस्ट्रार को बुला लिया है, ब्याह करने के बाद तू अपने माँ बापू से दिल खोल के बातें कर लेना। हाँ जी, आप लोग कौन है? रेशमा, ये रजिस्ट्रार हैं और ये विकास जी हैं, इस गेस्ट हाउस के कर्मचारी भी हैं और हमारे जो ब्याह होगा उसमें विटनेस भी हैं। अब हम साइन कर लें, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट में ये जरूरी से। या साइन करो। बाप
बहुत बहुत बधाई दोनों को। विकास जी ये पेपर, मैं तो मिठाई लाना भूल ही गया, मैं भी मिठाई लेके आता हूँ ठीक है। ए छोरी चल, ए ज्यादा नखरे ना कर, नगद पैसे दे के खरीदा है तुझे स्टैम्प पेपर के साथ, समझी? चल रामू, रामू। वो तो निकल गया पैसे लेके, चल। हरी अमानत पूरा 6 लाख से। बहुत चोखो काम करे हो, तारी बख्शीश। बापू बापू पिंजरा तो खाली हो गया, हम लोग समय कैसे बिताएंगे बापू? अरे चिंता ना कर बावले, पिंजरे के लिए जल्दी नई मैना ले आएंगे, जल्दी हम रामगढ़ चलेंगे। ये ले तारे पैसे। ये देख, थारी बिंदड़ी। ये हमारी बिंदड़ी है, हमारी बिंदड़ी है। किसी को बोलना नहीं। मारो चोरा। सर उस ट्रक वाले के रूट के हिसाब से राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी, यहाँ पर 15 रामगढ़ है और यहाँ पर कहाँ कहाँ जरी मरी माता का मंदिर है वो हम पता कर रहे हैं। उस लड़की की पहचान जल्द से जल्द होनी चाहिए। सर पोस्टमार्टम के हिसाब से बच्ची की मौत 5 दिन पहले यानी कि 1 सितंबर को हुई थी पॉइजन की वजह से, और सर बॉडी में धतूरे के ट्रेसेस मिले हैं। मतलब लड़की को मारने वाला कोई गांव वाला ही है जिसको इस धतूरे के जहर की जानकारी है। लड़की किस गाँव की है ये जब तक पता नहीं चलता हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। राइट सर। सर एक ही रामगढ़ है जहां पर जरी मरी माता का मंदिर है, जिला बेलगढ़ी राजस्थान। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब मर्डर हुआ तब तनु वहीं पर थी, क्योंकि तनु जब हमें जंगल में मिली तब उसके चेहरे पर और कपड़ों पर खून के छींटे थे। तनु और उसका छोटा भाई दोनों उसी कमरे में थे पर किलर ने उनको नहीं मारा। मेरा मतलब सर दो चश्मदीद गवाहों को जिंदा छोड़ दिया। या तो किलर उनको जानता होगा और वो उनसे इतना प्यार करता होगा कि वो उन्हें मारना नहीं चाहता होगा, यानी कि उनका बाप, या फिर किलर ने उनको देखा ही नहीं होगा और तनु ने समझदारी दिखाई और वो अपने भाई को लेकर वहां से चुपचाप भाग गए। सर प्रभात और रज्जी का फोन मिला है घर पे, हमने दोनों फोन फॉरेंसिक और साइबर वालों को दे दिए। तनु के लिए काउंसलर का इंतजाम हो गया? यस सर, कल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। छोटू ले बेटा दूध पी ले। नहीं छोड़ो, क्या दे रहे हो तुम मेरे भाई को? क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? धर्म? पता नहीं, मैं तो दूध लेके आया था छोटू के लिए जो आपने मुझे दिया था, इतने में तनु ने मेरे हाथ से छीन लिया। बेटा ये तुम्हारे मामा है ना? हाँ क्या हो? वो ताई जी हमें छोटू को दूध पिलाना था। ठीक है पिला। आजा छोटू दूध पी ले। मैंने क्या किया है? इसी का दिमाग खराब हो।
सर वो लड़की पागल हो गई है, मैं नहीं। और आप ऐसा सोच भी कह सकते हैं? तुमने उनको धमकी नहीं दी थी? हम बता रहे हैं, अगर हमारे बेटे कुछ हुआ ना, पूरे परिवार में तुम्हारे मातम छाएगा। सर हम गुस्से में थे उससे। सर वो लड़की इतनी पागल हो गई थी कि मेरे बेटे का सर फोड़ दिया। सर ऐसा लग रहा था कि वो जान ले लेगी उसकी। एक बाप अपने बेटे का खून देखेगा ना तो गुस्सा तो आएगा ना। और उसी गुस्से में तुमने उसी तरह से उसकी माँ और उसके भाई का सर फोड़ दिया। सर आप फिर से वही बात कर रहे हैं। जब से मेरे बेटे का सर फटा है ना, सर मैं उसके पास ही हूँ, उसको छोड़ के कहीं नहीं गया हूँ। शहर छोड़ के कहीं मत जाना, और जब भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन आ जाना। सर प्रभात एक ग्रोसरी शॉप चलाता था मार्केट एरिया में, आमदनी ठीक ठाक थी। उसको आखिरी बार सुबोध के घर से निकलते देखा गया था। ये प्रभात और सुबोध के बीच में बनती थी? कुछ टाइम पहले तक दोनों फैमिली साथ में रहती, फिर रज्जी ने एक बच्चे को जन्म दिया। फैमिली बढ़ गई तो प्रभात अपनी पत्नी के साथ किसी अलग जगह पे शिफ्ट हो गया। तो पैसों का या पुश्तैनी जायदाद का कोई बंटवारा? नहीं सर, किसी पुश्तैनी जायदाद का कोई बंटवारा नहीं। सुबोध राजकीय विद्यालय में टीचिंग करता है और प्रभात के दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। और दोनों की पत्नियाँ? रज्जी हाउसवाइफ थी सर। सबका कहना है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। और सुबोध की पत्नी करुणा आयुर्वेदिक नुस्खे बेचती है और बनाती है, मोस्टली शौकिया तौर पर। दोनों के आपस में कोई अनबन नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ चरण है जिसके पास ये मर्डर्स का मोटिव है, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी एकदम क्लियर है, वो घर में ही था। जब तक ये प्रभात नहीं मिल जाता या फिर तनु कुछ बोलती नहीं, तब तक हम अंधेरे में रहेंगे। ये हो गई तुम्हारे लिए दवाई तैयार, लो लो पियो 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 पियो, शाबाश, लो और पियो। ये इसे नहीं तुझे पीना चाहिए। अरे अमन तू कब आया? जब तू अपनी बेचारी का रोना रो रहा था। मैं कोई रोना नहीं रो रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, अपनी खुशबू के साथ। देख रहा हूँ मैं कितना खुश है तू। शादी करके घर बसाना चाहता था, सुंदर सुशील पत्नी चाहिए थी तुझे, और ससुराल वालों ने पकड़ा दिया ये डैमेज पीस। ए तमीज में रहो, समझे? मेरे तमीज में रहने से क्या तेरी किस्मत बदल जाएगी? मुझे देख, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बंदिश। सुबह से लेकर शाम तक ऐश करता हूँ और रात को डबल ऐश करता हूँ। देख अमन, जब तक तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ कर रहा हूँ, किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया ना। तुम में से अमन कौन है? जी मैं हूँ, क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी है। मैम एक भी महीना ऐसा नहीं था कभी मेरी तनख्वाह देरी हुई हो। अच्छे इंसान थे। थे मतलब? मतलब हैं, अच्छे इंसान हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम। उसकी वाइफ को कितने अच्छे से जानते हो तुम? मैं मिला हूँ, 3-4 बार उनसे मिला हूँ। प्रभात भाई अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। मेरे घर पे देना है, तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है ना, उसके लिए साड़ी है। उसको तोहफा देने के बाद उसके चेहरा पे जो खुशी होती है ना, उसको देखने का मजा ही कुछ और है अमन बाबू। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो थाने बुलाएंगे। ठीक है। मैं ड्रैगन हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा, मुझे सिर्फ छोटू की हंसी रोक सकती है, नहीं तो मैं अमर हूँ। जैसे जैसे छोटू की हंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी शक्ति कम हो जाएगी। सुबोध जी, लगता है आपकी वाइफ इन बच्चों से बहुत प्यार करती है। हाँ सर, करुणा के अलावा इन बच्चा लोग को इतना जल्दी कोई भी ठीक नहीं कर सकता था। इसका जान बसता था बच्चों में। और प्रभात की? मेरा मतलब है प्रभात भी इन बच्चों से उतना ही प्यार करता था। सर जितना आप करुणा का प्यार देख रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा। प्रभात का पूरा जिंदगी बच्चा लोग और रज्जी के इर्द गिर्द घूमता है सर। अगर ऐसा है तो फिर ये प्रभात गायब कहाँ हो गया? हम जान रहे हैं सर आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ना, इसमें प्रभात का कोई हाथ हो ही नहीं सकता है सर। या तो प्रभात खुद ही कोई मुसीबत में फंस गया है, या वो रज्जी के पास। सर रज्जी के फोन से कुछ मीडिया डिलीट किया गया था, उसे रिट्रीव किया जा रहा है। रज्जी और प्रभात के कॉल रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं। इनको ना तो किसी अननोन नंबर से कॉल आया था, ना ही इन्होंने किसी को कॉल किया है। इनफैक्ट सिर्फ 2 कॉल्स प्रभात को दुकान से आए थे, बाकी सारे कॉल्स उनके आपस में ही है सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
तनु के कपड़े पे जो खून के छींटे थे उसका भी फॉरेंसिक एनालिसिस आ गया। जिसका मतलब है जब मर्डर हुआ तब तनु 100% वहीं थी। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही आया जैसा हमने सोचा था। सर क्राइम सीन पे जो पत्थर मिला था, सर मर्डर उसी पत्थर से किया गया है। लेकिन सर कोई फिंगरप्रिंट या फिर DNA रिट्रीव नहीं हो पाया। सर रज्जी पे 4 से 5 बार उस पत्थर से वार किया गया और बच्चे पे 1 बार। इसका मतलब है मारने वाले के दिमाग में बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। सर इसी वजह से पत्थर पे इतना ज्यादा खून था कि कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाया। और कुछ अनयूजुअल? यस सर, रज्जी के साथ रेप भी हुआ था। व्हाट? लाश के साथ रेप? मतलब नेक्रोफिलिया? मतलब ये बंदा मुर्दों के साथ सेक्स करता था? बच्चों के लिए काउंसलर आ रहे हैं ना? यस सर। देखो बेटा, हम जानते हैं कि आप बहुत दुखी हो, लेकिन उस किलर ने आपके छोटे भाई गोलू को बहुत चोट पहुंचाई है ना, और आपकी माँ को भी ना। बेटा उस आदमी ने जब आपके छोटे भाई को और आपकी माँ को मारा तब आप वहीं थी ना? क्या हुआ था वहां? आपने उस आदमी की शक्ल देखी थी ना? तनु, तनु। प्लीज अभी तनु बहुत डरी हुई है, हम बाद में पूछताछ करेंगे। सर मैं समझती हूँ आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। मैडम सिर्फ जानकारी जरूरी नहीं, जानकारी का जल्द मिलना भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तक हमें किलर का पता चले तब तक वो अंडरग्राउंड हो गया। आई अंडरस्टैंड सर, पर तनु अब तक सारी बातें बताने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ताई जी, आप ये दूध में क्या मिला रही हैं? बेटा ये जड़ी बूटी है ताकि तुम दोनों को अच्छे से नींद आए और खासकर तुम्हें बुरे सपने ना आए। ताई जी हमको बहुत डर लगता है, इसीलिए तो दवाई दे रही हूँ, सारा डर खत्म हो जाएगा। अब चलो चलो बेटो यहाँ पे चलो। गुड गर्ल, ये लो और पूरा खत्म करना है, ठीक है ना? पियो पियो पियो। गुड बॉय। हेलो सर, पिया नरेंद्र पात्रे सर। सर एविडेंस और पंचनामा की रिपोर्ट। लड़की का नाम ध्रुवा मोहित है सर, क्राइम स्पॉट से उसका मोबाइल और पर्स मिली। क्राइम स्पॉट कहाँ है? करड़े जरा आसपास देख। सुनसान जगह पर ये लड़की क्या कर रही होगी? तुम कितने साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो अर्चा? कॉमन सेंस है, यहाँ तो इसको बुलाया गया या जबरदस्ती लाया गया होगा। सर लोग तो सुसाइड की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इसलिए सुसाइड है ये। लोग तो ये भी कहेंगे केस सॉल्व हो गया तो हो गया केस सॉल्व। बारीक बारीक चीज़ों को देखना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन की ठीक से? नहीं की होगी। एक बात बताओ, गांव से इतने दूर ये सुसाइड करने आई होगी यहाँ? सर क्या मिला? शायद पेट्रोल का, इसी का यूज किया होगा जलाने के लिए। इसको लैब में भेज दो। सर फॉरेंसिक टीम को बुला, बारीक से बारीक चीज़ें देखो। और हाँ, आसपास के पेट्रोल पंप पूछताछ करो, 20 से 22 तारीख को किसी ने बल्क क्वांटिटी में पेट्रोल खरीदाएगा। लड़की कहाँ रहती है? आपने आखिरी बार कब देखा था दुर्गा को? दोपहर तक तो वो घर पर ही थी, फिर अचानक शाम को 5 बजे वो घर से बाहर चली गई। कुछ कहा नहीं उसने, बहुत जल्दी में थी, वो बॉक्सर बनना चाहती थी। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? जी नहीं सर, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेल में ही था। ये कौन है? मैं मनीष, मेरे भाई का लड़का। दादा और वहनी के मौत के बाद ये अकेला पड़ गया था, मदद करने के लिए यहाँ आ जाता है कभी कभी। तुम कुछ जानते हो? सर गांव के देशमुख पाटिल के साथ उसका झगड़ा हुआ था कोमल को लेकर। क्या हुआ था? सर दुर्वा ने आवाज उठाई थी कोमल के लिए, उसने बताया था कि कोमल का रेप हुआ है, वो जयदेव के 2 बेटे पवन और विवेक ने किया है। सर कान आसपास पूछताछ करो, इन सबकी कुंडली चाहिए मुझे सर, और दुर्वा की CDR रिपोर्ट निकाल, पता तो चले दुर्वा की जिंदगी में क्या हो रहा था।
बाबा कैसी लग रही हूँ मैं? दीदी दिखाओ। दीदी आप कितनी प्यारी लग रही हो, एकदम हीरोइन जैसी। हाँ एकदम सुंदर लग रही है हमारी बेटी। लेकिन बाबा मैं शादी डॉक्टर बनने के बाद ही करूंगी, और वो भी एक डॉक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर ही तो डॉक्टर की लाइफ समझ सकता है। अरे बाबा तू किससे भी शादी कर, लेकिन शादी कर, हमें तुझे दुल्हन के जोड़े में देखना है। अलका जो हुआ सो हुआ, अब तो दुकान भी बिक चुकी है, चले जाते हैं कहीं और जहां पर हमारा अतीत हमारे साथ नहीं होगा। अकेले सर मुझे मॉलेस्ट करते थे, लेकिन दुर्वा ने उनको सबके सामने एक्सपोज किया था, लेकिन अभी सुना है कि अकेले सर बेल पे छुड़ गए हैं। कोमल के साथ क्या हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन इज्जत तो प्यारी होती है ना सर, अगर ये बात गांव वालों को पता चल जाए तो उसे शादी कौन करता? लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो दुर्वा कर रही थी। अगर मेरे बेटों ने कुछ किया है तो सबूत लेके आइए, बिना वारंट के आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। उस लड़की का बयान तो होगा ना आपके पास? वैसे भी उस लड़की ने हमारे बच्चों पर लगाए इल्जाम को खारिज कर दिया है, तो गाय का केस। दुआ करो तुम्हारे बेटे निर्दोष साबित हो, तो घसीट के लेके जाऊंगा कॉलर को पकड़ के। दुर्वा के लिए हर दरवाजा बंद हो गया था सर, अखिलेश ने तो उस पर केमिकल अटैक किया था। पुलिस ने कंप्लेन लेने से भी मना कर दिया, घर पर अंबिका की शादी टूट गई, उसका कसूरवार भी उसको ठहराया गया सर। उसके माँ बाप उसको कहीं दूर भेजना चाहते थे, पर सर उसके माँ बाप भी संत लोग नहीं थे, ब्लेम गेम चल रहा था, विक्टिम थे दुर्वा। ये सच है कि अंबिका की शादी दुर्वा की वजह से टूट गई थी। तुषार दुर्वा को पसंद करता था और उसके साथ शादी करने वाला था, लेकिन दुर्वा ने उसे साफ मना कर दिया था और फिर उसने अंबिका से भी रिश्ता तोड़ दिया। इसके लिए हमने दुर्वा को उसके मामा के पास छोड़ने का निर्णय लिया था। मर्डर वाले दिन मतलब 22 तारीख को, उस दिन आप सब लोग कहाँ थे? हम तो घर पर ही थे, बस अंबिका अपने चचेरी बहन नंदिनी को मिलने के लिए मुंबई गई थी। क्या पादरे? एक केमिकल अटैक होता है और उसकी कंप्लेंट नहीं लिखते तुम? सर वो लड़की झूठ बोल रही थी। सच और झूठ बाद में पता चल जाएगा, तुम्हारा पहला धर्म था कंप्लेंट लिखना, समझे? पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे, और जब तक सच का पता नहीं चलता घर पे आराम करो। सर दुर्वा की शिडिया रिपोर्ट। सर दुर्वा ने ज्यादातर कॉल्स अपने घर वालों को ही किए और कोमल को, और उसकी लास्ट लोकेशन क्राइम स्पॉट ही है जहां पर उसको जलाया गया है, और हाँ उसको लास्ट कॉल किसी तुषार ने किया है, 3 बजे और उनकी 5 मिनट बात हुई है, उसके बाद उसको कोई कॉल नहीं आया। सर मुझे लगता है तुषार ने उसे जंगल की तरफ बुलाया होगा। सर ये तुषार की शादी तो अंबिका से तय हुई थी, लेकिन उसने दुर्वा को कॉल्स किए, और हाँ सर एक और नंबर है जहाँ से दुर्वा को बहुत सारे कॉल्स आए हैं और आई लव यू वगैरह इस तरह के मैसेजेस है, लेकिन दुर्वा ने उनको कभी रिप्लाई नहीं किया। वन साइडेड लव होगा। पता करो ये लवर कौन है, और उससे पहले तुषार को बुला। सर यस। देख दुर्वा को जिस मोबाइल नंबर से कॉल करता था ना उसकी सीडीए रिपोर्ट है हमारे पास। कमाल है, अरे शादी एक बहन से, इश्क दूसरी बहन से, क्या चक्कर चल रहा था? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप गलत सोच रहे हो। अच्छा तो ये भी गलत है, तेरे को दुर्वा से शादी करनी थी इसलिए तूने उसको 3 बजे बुलाया कॉल करके, उसने ना किया इसलिए उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर मैं मानता हूँ मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। सर मैं जब अंबिका को देखने गया था तब मुझे दुर्वा पसंद आ गई थी सर, मेरी पूरी लाइफ में मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी सर, इसलिए मैं उसका पीछा करने लग गया था।
अच्छा तो दुर्वा भी हाथ से चली गई, हम भी कभी चलेगी, इसलिए गुस्सा आया और तूने दुर्वा को मार दिया। मैंने नहीं मारा है सर, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसे। तो कॉल क्यों किया था फिर? दरअसल अंबिका से मेरी शादी टूट गई थी और अगले ही हफ्ते मेरी मंगनी थी, इसलिए मैंने। देख अगले हफ्ते मेरी मंगनी है, तू फिर से एक बार सोच प्लीज। अगली बार अगर तूने मुझे कॉल किया ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। 22 तारीख को कहाँ था तू? मैं उस दिन शॉपिंग कर रहा था सर, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं शॉपिंग ही कर रहा था। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है शहर छोड़ के नहीं जाना, समझा? जी सर। खाना मंगाओ तो फिर जा। अंबिका की सीडीआर रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन निकलवा। दुर्वा के मर्डर के दिन वो कहाँ था पता चलना चाहिए, क्योंकि उसके पास मोटिव है उसके मर्डर का, रिजेक्शन और जलन। स्टूडेंट पे केमिकल फेंकता है, कंप्लेंट करेंगे तो उनको मार देता है। मुझे पता था ये सब मुझ पर आएगा, उसे मैंने अपने टीम में नहीं लिया ना, इसलिए वो गुस्सा निकाल रही थी। तूने केमिकल नहीं फेंका? केमिकल सर कोई नॉर्मल चीज है? केमिकल? अगर मैं केमिकल फेंकता तो उसके बदन पे कोई तो निशान होता। किसी ने देखा मुझे केमिकल फेंकते हुए? कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई फोटो, कुछ नहीं सर, मैं कैसे मान लू? जाना मत बन जाता। उसको उस दिन नौकरी गई थी ना? हाँ उसी की वजह से नौकरी गई, खाने के वादे हो गए मेरे। लेकिन और एक गलती करके मैं मेरा फ्यूचर डेंजर में नहीं डालता ना सर। 22 तारीख को कहाँ था उसका मर्डर हुआ था? सर इधर उधर इंटरव्यू देते फिर रहा हूँ, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है। उस दिन देर रात घर पे पहुंचा, देख क्वार्टर मारिया और सो गया। तेरे खिलाफ सबूत नहीं है मेरे पास, इसलिए तू अभी जा रहा है, समझा? जिस दिन सबूत मिलेगा ना वो क्वार्टर निकल। ध्यान रखो इस पे। और खान, दुर्गा का मर्डर जिस एरिया में हुआ उस एरिया का रात को 8 से 12 के बीच कंडम डेटा निकलवा, पता करो वहाँ कौन कौन से मोबाइल एक्टिव है। ओके सर। सर ये दुर्गा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी सर। या? जी सर, 55% फीटस जल चुका है, लेकिन फिर भी हम DNA मैच के लिए उसे यूज कर सकते हैं। और हाँ सर, उसकी मौत रात को 9 से 11 बजे के बीच हुई है। लेकिन उसके घर वालों ने तो कहा था 5 बजे ही निकल गई थी वो। तो 5 से 9 के बीच में क्या कर रही थी? सर CDR में कोई लव एंगल भी नहीं सामने आया है, शायद तुषार के साथ ही उसके संबंध हो। सर वो अननोन कॉलर भी हो सकता है, उसने दुर्वा के साथ जबरदस्ती की और उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई। तो फिर उसने बात छुपाई क्यों? अगर वो प्रेग्नेंट थी तो किसी मैटरनिटी होम में जरूर गई होगी। आसपास के मैटरनिटी होम में चेक करो। अरे अखिलेश और तुषार, इन दोनों का DNA मैच करवाओ पूर्वा के फिटस से। तब तक हम उसके माँ बाप से मिलते, देखते हैं उनको कुछ पता था क्या उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। क्या दुर्वा प्रेग्नेंट थी? आप तो ऐसा रिएक्ट कर रहे जैसे आपको पता ही नहीं था। सर मैं सच कह रहा हूँ, हमें कुछ भी पता नहीं इस बारे में। नहीं नहीं, आपको पता था कि लड़की प्रेग्नेंट है, बिना शादी की प्रेग्नेंट है, इसलिए आपने उसका कॉलेज बंद करवा दिया। दुर्वा की वजह से 3 बार अंबिका के रिश्ते टूट गए। जो लोग अंबिका को देखने आते वो दुर्वा को पसंद करती, इसलिए हमने सोच लिया कि दुर्वा को उसके मामा के पास मुंबई भेज देते ताकि अंबिका की शादी हो जाए, बस यही वजह थी। सर दुर्वा का जिस रात मर्डर हुआ था उस पूरी रात अंबिका का फोन स्विच ऑफ था, वो घर पर भी नहीं थी, वो मुंबई उसकी चाचा की लड़की नंदिनी उसके घर गई थी और अगले दिन वो सुबह लौट के आ गई। सर वो नंबर जिससे दुर्वा को अननोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे वो किसी राजपुरोहित के नाम पर रजिस्टर्ड है, फेक आईडी है सर, ये राजपुरोहित को गुजरे 6 साल हो गए। ये सिम जिस दुकान से इशू हुआ है उसका एड्रेस निकालो। यस। जिस दिन दुर्वा का मर्डर हुआ उस दिन तुम अपने कजिन नंदिनी से मिलने गई थी ना मुंबई? हाँ, मेरे पापा ने ही मेरी टिकट बुक करवाई थी। लेकिन नंदिनी तो कॉलेज आई हुई के लिए मनाली गई थी, तो फिर तुम उसे कैसे मिली? जुड़ बोल रही है ना? मैं बता दूँ, हाँ मैंने आपसे झूठ कहा, मैं मुंबई गई थी पर नंदिनी से मिलने नहीं, तुषार से मिलने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।